समंदर में खंदकें खोद दी गई हैं, वो चोक हो जाता है तो पानी कैसे जाएगा, शहर डूब गया था, किसी को कोई परवाह नहीं। डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड का तो केएमसी और केडीए से भी बुरा हाल है। डीएचए और क्लिफ्टन के बरसाती पानी में डूबने के केस में सिंध हाई कोर्ट मुतालिका इदारों पर बरहम हो गई। बारिश में शहर डूब गया, कोई मदद को न आया, सिंध हाई कोर्ट की सरकारी इदारों पर बरहमी। डीएचए और क्लिफ्टन के बारिश के दौरान डूबने के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। वकील कंटोनमेंट बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि शहबाज कमर्शियल समेत इन इलाकों की निशानदेही कर ली है जहां ज्यादा पानी जमा था। अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि इलाके डूबने के बाद किसी को होश आया, कोई नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क दिए कि सब आरसी काम करते हैं। डीएचए और कंटोनमेंट बोर्ड का तो केएमसी और केडीए से भी बुरा हाल है। घर कई कई रोज डूबे रहे, एनजीओस लोगों की मदद कर रही थी। क्या कोई सरकारी इदारा तूफानी हालात और मुसीबत में लोगों की मदद नहीं कर सकता? जस्टिस हसन असर ने रिमार्क दिए कि सारा कचरा और गंदगी को समंदर में डाल दिया जाता है, समंदर में खंदकें खोद दी गई हैं, समंदर चोक हो जाता है तो पानी कैसे जाएगा, तूफान आ रहा था तो बच गए, मगर मजीद बारिशों की पेशगोई हो रही है, शहर को कैसे बचाना है, कोई मंसूबा बंदी की गई है।